हेलो सर, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है साथी का नया व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। और मैं नए व्लॉग में सबका स्वागत है। तो आज मैं जहां आपको लेकर आई हूं ना, वो बहुत ही फेमस आउटलेट है। तो मैं आपको बता देती हूं मैं कहां हूं। मैं आई हूं सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर, और मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं डोलमा आंटी फेमस आउटलेट है, जो की मोमोज के लिए बहुत फेमस है। लेकिन मोमोज तो सबने टेस्ट करे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे टेस्ट करने आई हूँ यहाँ का प्लेटर, जो कि मुझे नहीं पता कॉस्ट कितनी है, टेस्ट कैसा है, कौन कौन सी आइटम्स है उसके अंदर, मुझे कुछ भी नहीं पता। बाकी देते हैं ऑर्डर और लेते हैं यहाँ का प्लेटर और टेस्ट करके मैं बताती हूँ कि ज्यादा ओवर हाइप्ड है या फिर टेस्ट हमें वैसा मिलने वाला है जैसे कि हमने देखा है। तो चलते हैं, ऑर्डर देते हैं और अपना लेते हैं यहाँ पर चाइनीज प्लेटर। तो चलिए तो हमारा जो यहाँ का प्लेटर है चाइनीज प्लेटर वेज मैंने लिया है। वैसे यहाँ पे नॉनवेज भी है, अगर आप नॉनवेज खाना चाहें तो मैंने वेज लिया है। तो बता दीजिए इसमें कितनी आइटम्स है। फर्स्टली है चिली पनीर मिला है हमें इसके अंदर, ये है चिली पटाटो, दिस इज अ वेज मंचूरियन बॉल्स, आप देख रहे हैं कितने बड़े हैं। ये मिले हैं हमें दो पीस मोमोज के वेजीज वाले, फ्राइड राइस एंड चाउमिन। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 आइटम मिलने वाली है इसके अंदर चाइनीज प्लेटर में। तो आइए टेस्ट करते हैं डोलमा आंटी के, फर्स्ट टाइम एवर मैंने तो कभी टेस्ट, मैंने तो इवन मोमोज भी नहीं खाए इसके। बाकी सबसे पहले मैं टेस्ट करती हूँ नूडल्स। नूडल्स में दिखा दूँ मैं, इसमें थोड़े वेजेस डाले हुए हैं पर पता नहीं कैसा होने वाला टेस्ट, आई डोंट नो। नूडल्स टेस्ट से पता लगने वाला है कि कैसा होने वाला है। तो फर्स्ट इज नूडल्स, सोसो एंड नूडल्स, मिर्च मसाले कुछ नहीं है इसके अंदर, ज्यादा कुछ वेजीज भी नहीं नजर आ रही जैसे मैं आपको दिखा दूं। और नूडल्स जितने पतले हों उतने ज्यादा अच्छे होते हैं, पर ये थोड़े से मोटे हैं लेकिन फिक्के लग रहे हैं, मतलब कोई स्पाइस है ही नहीं इसके अंदर, मतलब नॉर्मल है। बाकी जो सेकेंड आइटम है वो है फ्राइड राइस। फ्राइड राइस में देख रहे हैं आप वेजीज डाली हैं अच्छे से, बाकी देखने में तो ये सही लग रहे हैं। टेस्ट करके बताती हूँ आपको ये कैसे हैं। नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल है ये। एक्चुअली मैं इन दोनों चीजें दिखाऊँ ना आपको, चाउमीन और फ्राइड राइस, मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगे क्योंकि इसके अंदर ना तो स्पाइसी है ना तो कुछ ऐसा डिफरेंट मुझे लगा। एक बार और टेस्ट कर रही हूँ कि मुझे टेस्ट समझ नहीं आ रहा है। नॉर्मल मिर्च मसाले हैं, कोई ज्यादा इसमें मसाले डाल के नहीं बनाया हुआ, और इसमें थोड़ा सा मुझे नमक ज्यादा लगा और इसमें नमक कम लगा, मतलब ये मेरा टेस्ट है, बाकी आपको नहीं पता कैसा लगेंगे, मतलब ये दोनों मुझे नॉर्मल लगे। अच्छा जो नेक्स्ट है वो है चिली पटाटो, मैं टेस्ट करती हूँ ताकि मेरा मुंह थोड़ा अच्छा सा हो जाए। ये है चिली पटाटो, ये भी नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, मतलब जिस तरीके का मैं स्पाइसी थोड़ा करना खाना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत लो लो फीका फीका सा लग रहा है, और आलू भी बहुत मोटे मोटे से हैं और क्रिस्पी भी नहीं है। ये ना क्रिस्पी होना चाहिए, जो क्रिस्पी और इसमें थोड़ा मीठापन जो आता ना वो चीज है ही नहीं। सॉरी ये भी सोसो है, मुझे नहीं अच्छा लगा ज्यादा। बाकी मैं अब ये करती हूँ टेस्ट, ये है चिली पनीर, जिसमें दो पीस पनीर के मिलेंगे आपको, और पनीर का पीस काफी बड़ा, देखो देखिए काफी बड़ा दिया है पनीर का पीस तो इन्होंने। बाकी इसको भी टेस्ट, टूट तो रानी है ये, तो मैं इसे ऐसी इसका थोड़ा टेस्ट आया, मतलब बाहर से बहुत टेस्टी है लेकिन जो अंदर ये ना पनीर खा रहे ना तो फिर वही वाली बात आ रही है फीका पानी। अगर इसमें ये ग्रेवी देते तो ये अच्छा होने वाला था काफी, लेकिन मुझे ये भी मतलब ग्रेवी थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए थी, इन्होंने ग्रेवी दी नहीं है और पनीर दे ही रहे हैं, पीस बहुत बड़ा दिया है।
देखो क्वांटिटी में तो इन्होंने कोई कमी नहीं करी है प्लेटर में, लेकिन बाकी सारी बात होती है टेस्ट की। तो मुझे अभी ऐसी कोई आइटम या नहीं इसमें खाई नहीं है जो मुझे बहुत ज्यादा हाई लगी। अच्छा ये वाला जो है ये है मंचूरियन, इनका बॉल्स बहुत बड़ी है, छोटी बॉल्स नहीं है जैसी, और इसमें ग्रेवी है। तो मैं ना इसको ना फ्राइड राइस के साथ टेस्ट करती हूँ ताकि मुझे फ्राइड राइस का भी टेस्ट अच्छा सा आए। इसको मैं तोड़ती हूँ, ये मैंने मंचूरियन ब्रेक किया 2 पीसेस में, और वेजिस से देखो पूरा भरा हुआ है, देख रहे हो पूरा वेजिस से भरा हुआ है। सो ये है मंचूरियन, मैंने इसके पीसेस कर ली हैं। बाकी मुझे देखने में तो ये लग रहा है कि इसका मुझे टेस्ट आने वाला है, क्योंकि मुझे अभी तक किसी चीज का आइटम का टेस्ट आया नहीं है अच्छे से। तो ये है मंचूरियन। That is good. इसका मुझे टेस्ट आया बिकॉज ये ग्रेवी है इसमें, और अगर जैसे मेरा टेस्ट है वैसा होने वाला है तो आपको ग्रेवी डाल के ही फ्राइड राइस का मजा आने वाला है, वरना ऐसे खाएंगे तो लगेंगे फिक्के, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ डाले नहीं हुए, सिर्फ सूखे राइस खा रहे हो आप। तो मंचूरियन इज पास, मंचूरियन बहुत टेस्टी है, ग्रेवी बहुत टेस्टी है। बाकी जो लास्ट आइटम बची है वो है इनके डोलमा आंटी के मोमोज, बड़े फेमस हैं। तो ये फ्राइड मोमोज हैं वेजीज वाले, फीलिंग मैं कोशिश करती हूँ ओपन करने की, ये देखो वेजीज की फीलिंग है। बाकी इसको भी करते हैं टेस्ट। सो है सीरियसली, मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, सिर्फ मंचूरियन को छोड़ के स्प्लैटर में मुझे कोई आइटम ऐसी नहीं मैं तारीफ करूं, हाँ भाई यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। बाकी मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, आउटलेट पे भीड़ बहुत होती है, लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए सेंटर मार्केट, तो वहाँ के जरूर जाते हैं। यहाँ के मोमोज एंड प्लेटर इज सो सो, सीरियसली मुझे कोई ज्यादा खास नहीं लगा कुछ इसमें जिसमें मैं तारीफ करूँ। बस मंचूरियन है ना जो ये, बस मंचूरियन है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, बाकी मुझे कोई आइटम ऐसी नहीं लगी जिसकी मैं तारीफ करूँ। बाकी यहाँ के मोमो फेमस हैं, आप आइए यहाँ पे खाइए। मुझे और इसकी कॉस्ट बता देती हूँ मैं आपको, इसकी जो कॉस्ट है वो है 160 रुपीज। तो 160 रुपीज खर्च करने से अच्छा है कोई एक आइटम लेके खा ली जाए। प्लेटर इज ओवर हाइप कर रखा है कि हाँ बहुत टेस्टी है डोनमा आंटी के ये वो, पर इतना है नहीं, मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा टेस्ट है, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगने वाला है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आप यहाँ पर आए हैं टेस्ट करने के लिए तो आपको टेस्ट कैसा लगा है, मोमोज खाए हैं, प्लेटर टेस्ट किया है, क्या टेस्ट किया है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए साथी का नया ब्लॉग विदाउट एनी स्पेस। बाय।